हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं इचकाई किचन। तो एक छोटा सा व्लॉग आज शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, जो कि है जू बीच का। तो आज फैमिली के साथ हम आए हैं जू बीच पर, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखिए, संडे होने की वजह से ना यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, तो हम भी आए हैं और पिकनिक के हिसाब से बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे खाना वगैरह भी लेकर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फूड कोर्ट भी है, तो हम तो वहीं से खाएंगे खाना। घूमने के लिए आए हैं तो खाना वगैरह नहीं लेकर आए हम लोग। देखिए, और लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, लास्ट व्लॉग में, सॉरी वीडियो तो मेरा रेसिपी का था। तो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि खाला लोग हमारे घर पर आए हैं, बाहर से कुछ गेस्ट आए हैं, तो उन्हीं के साथ हम आए हैं देखिए जू बीच पर, और बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि व्यू आप लोग देख रहे हैं, समंदर किनारा है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। मेरा फेवरेट प्लेस है ये, मुझे बहुत ही पसंद है स्पेशली जू चौपाटी। तो देखिए, ये खाला लोग हैं हमारे, जो कि बाहर से, मैंने बताया बहरीन से आए हैं। तो हम अब जा रहे हैं फूड कोर्ट की ओर, वहाँ पे खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे, बच्चे भी भूखे हैं इसके लिए। और अगर आप लोग मुंबई कर हो ना, तो आप लोग तो आए ही होंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है जू बीच, जू चौपाटी। और नहीं हो, अगर मुंबई के बाहर रहते हो, तो एक बार ज़रूर विज़िट करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे लोग खासतौर पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अब हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, खाने के लिए। खाने के बहुत सारे स्टॉल्स आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे, तो कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पाव भाजी बहुत ज़्यादा फेमस है, और गोला गोला खाने के लिए पब्लिक यहाँ पर आती है। पाव भाजी के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि जैसे कि पानी पूरी, भेलपूरी और डोसा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। मोमोज भी है, वो भी मिलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाएंगे, क्योंकि बच्चों की अलग फरमाइश है, और हम लोग पाव भाजी वगैरह खाएंगे। अब यहाँ से हम लेंगे मोमोज। एक ही अपना ही है, पूरा अपना ही है। आप एक सीम दो, एक दो, एक जो पीछे है ना, दो दे दो छोटे। क्या उसमें सब ले रहे हैं? नूडल कौन है? नूडल कहाँ से ले रहे हैं? नूडल नहीं, नूडल नहीं। तो बच्चों की फरमाइश पर हमने लिया ये मोमोज, जो कि फ्राई मोमोज है और स्टीम वाले, और उसी के साथ ये आलू वाली जो स्टीक आती है ना, वो ली। उसी के साथ ये जो चटपटा सा दिख रहा है, वो हमने लिया मसाला पाव, जो कि सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और चटपटी सी जो है पाव भाजी, जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है यहाँ की। और जैसे कि बच्चों को नूडल्स भी पसंद है ना, तो नूडल्स भी हमने लिया था। चलो बताओ, सब लोग इधर देखो भाई, जो पाव देना कड़क, देना कड़क। अरकान फरिया ध्यान रखना। तो और यहाँ पर हम लोग सब फैमिली के साथ खाना इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी आइए खाने के लिए। खाने के बाद हम आए हैं यहाँ पर गोला खाने के लिए, जो कि गोला यहाँ का बहुत ही फेमस है। गोला और आइसक्रीम, फालूदा वगैरह सब चीज़ें यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है गोला, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। और यहाँ पर बन रहा है हमारे ऑर्डर पर गोला, जो कि काला खट्टा फ्लेवर का है।
ये फ्लोर मिक्स में कितना अच्छा है, ऑरेंज पाइनएप्पल और कच्ची करी सुनो ना, ब्लूबेरी और ब्लैक करंट सेम होगा कि अलग अलग होगा? ये सब आएगा ना, आप तो वही होगा और यहाँ पर खाला हम सब लोगों को अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहे हैं। अरे तुम भी तो खाओ। और यहाँ का जो गोला होता है ना फ्रेंड्स, मिनिमम मैंने जैसे कि बताया 100 रुपीज से स्टार्ट होता है, तो साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। बच्चे तो खा ही नहीं पाते इसे, बड़े भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खा पाते, लेकिन फिर भी सब लोगों ने एक एक गोला लिया। और माशाल्लाह ये बहनों का प्यार देखिए। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम सब गोला आइसक्रीम वगैरह जिसकी जो फरमाइश है वो एंजॉय कर रहे हैं। खा पीकर भी हमारा हो चुका है, घूमना भी हो चुका है, अब हम बाहर की ओर आ रहे हैं। तो बाहर का व्यू भी जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और जैसे कि देखा आप लोगों ने, सब लोग बाहर निकल चुके हैं और ये मेरा गोला तो खत्म ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा था ये साइज में। तो देखिये अभी तक मैं खाते खाते अब चलना पड़ रहा है ना, क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप आते हो तो पार्किंग का भी मसला नहीं है, पार्क करने के लिए भी जगह है। हाँ टिकट लगता है, लेकिन पार्किंग अच्छे से मिल जाती है आप लोगों को, वो भी कभी कभी फुल हो जाती है, इतना ज़्यादा रश रहता है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आसान सी रेसिपी या व्लॉग के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।